दोस्तों, चीन के बढ़ते घटिया इरादों को देखते हुए भारत अपने रक्षा क्षेत्र को लगातार मजबूत करता जा रहा है। अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय सेना अपने हथियारों के जखीरे में एक से एक खतरनाक हथियार शामिल कर रही है, जिससे उसके दुश्मन चीन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिल सके। वहीं केंद्र सरकार भी इस ओर काफी ध्यान दे रही है। इसके तहत चीन से सटे पूर्वी लद्दाख में सेना को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने एक हफ्ते के भीतर 2000 से ज्यादा ड्रोन खरीदने का प्रस्ताव दिया है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इन ड्रोन्स को खरीदने से भारतीय सेना पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत और ताकतवर होगी। खासकर चीन से सटी उत्तरी सीमा पर ड्रोन से निगरानी बेहद जरूरी है। इन ड्रोन की खासियत की वजह से दुश्मन पर निगरानी रखने और सीमा पर सुरक्षा को बेहतर बनाने में काफी मदद मिलेगी। इसके साथ साथ भारत की सुरक्षा प्रणाली में आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इन ड्रोन की खासियत क्या है और इसके साथ ही जानेंगे कि भारतीय सेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए और क्या क्या कर रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दुनिया की सेनाएं तेजी से आधुनिकीकरण कर रही हैं। ड्रोन का इस्तेमाल इसमें काफी अहम हो गया है। निगरानी रखने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और हमले करने के लिए भी अब ड्रोन का इस्तेमाल होने लगा है। पाकिस्तान और चीन की ओर से ड्रोन का काफी इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान तो ड्रोन का इस्तेमाल नशीली चीजों की सप्लाई तक में करता है। यूक्रेन में कमिकेज कैटेगरी के शाहिद ड्रोन से हमले के बाद भारतीय सेना भी अलर्ट पर है। ऐसे में भारतीय सेना भी ड्रोन में निवेश की योजना बना रही है। भारतीय सेना जल्द ही 2000 ड्रोन खरीदने की तैयारी में है, ताकि इनका इस्तेमाल चीन से लगी सीमा पर किया जा सके। ये ड्रोन पूरे साजो सामान के साथ रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल यानी RPAV के साथ होंगे। एक हफ्ते में कुल 5 RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किए गए हैं। क्या है RPAV? 25 अक्टूबर को सरकार ने भारतीय सेना के पैराशूट बटालियन के साथ तैनात किए जाने वाले 750 RPAV के लिए RFP यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया। पैराशूट बटालियन को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया जाना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि RPAV एक पावरफुल सिचुएशनल अवेयरनेस डिवाइस है, जो टारगेट एरिया को स्कैन करने की क्षमता के साथ साथ दिन और रात में निगरानी का काम करता है। इसके साथ ही ये स्पेशल मिशन में टारगेट की 3D स्कैन इमेज भी देता है। RPAV डिवाइस को सिचुएशन अवेयरनेस, कम दूरी की निगरानी, टारगेट एरिया को स्कैन करने के साथ ही उसकी 3D इमेज देने के लिए तैनात किया जाएगा। इससे सेना को मजबूती तो मिलेगी ही, साथ ही वो डायरेक्ट एक्शन टास्क के दौरान सटीक हमलों को अंजाम दे सकेगी। आपको बता दें कि इससे पहले 20 अक्टूबर को 80 मिनी रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम के लिए एक RFP जारी किया गया था। RPS का उपयोग सामरिक निगरानी के लिए किसी विशेष क्षेत्र में दुश्मन के सैनिकों, उपकरणों और हथियार प्रणालियों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। RPS की जरूरत 15 किलोमीटर की मिशन रेंज के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्टिलरी यूनिट की निगरानी के लिए होती है। अगर RPS अच्छा काम करते हैं तो आर्मी के लिए बड़ी संख्या में इसकी खरीद की जा सकती है। इसके अलावा सेना हिमालय में संचालित किए जाने वाले 1000 निगरानी कॉप्टर्स की भी मांग कर रही है और बैटल कमांडर्स को लाइव फीड उपलब्ध करवा रही है। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सैन्य गतिरोध के बीच भारत ने बॉर्डर पर जंगी बेड़ा तैनात कर रखा है। ठंड में भी आग का गोला बरसाने की तैयारी के साथ करीब 350 आर्टिलरी सिस्टम दुश्मन से निपटने के लिए तैयार है। सेना ने अब ऐसे ड्रोन और सर्विलांस डिवाइस खरीदने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं, जिससे लंबी दूरी से दुश्मन के टारगेट को बिल्कुल सटीक तरीके से निस्तनाबूद किया जा सके। फिलहाल काफी बड़े UAV जैसे इजरायली हेरॉन और सर्च ड्रोन का इस्तेमाल आर्मी एविएशन विंग द्वारा स्ट्रेटेजिक सर्विलांस के लिए किया जा रहा है। नए छोटे RPS की ऑपरेशन रेंज 20 से 90 किलोमीटर तक हो सकती है। सेना के आर्टिलरी यूनिट को ऊंचाई वाले इलाकों के लिए इनकी जरूरत है। अगर इनका प्रदर्शन अच्छा रहा तो सेना बड़ी संख्या में ये ड्रोन खरीद सकती है। ये RPAS कमिकाजी ड्रोन से अलग होते हैं। दोस्तों, सैन्य अधिकारियों का कहना है कि पिछले 2 सालों में पूर्वी लद्दाख के अग्रिम इलाकों में व्यापक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इसमें 35,000 सैनिकों के रहने की जगह, 450 टैंक्स और अन्य बख्तरबंद गाड़ियों के लिए गैरेज और 350 आर्टिलरी सिस्टम और तोप शामिल हैं। बॉर्डर पर गतिरोध को देखते हुए 105 mm फील्ड गन, बोफोर्स, धनुष और सारंग तोप को मोर्चे पर उतारा गया है। दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने के लिए नए एम
777 अल्ट्रालाइट होविट्जर और K9 वज्रतोप भी बॉर्डर पर गरज रहे हैं। इतना ही नहीं, पिनाक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी तैनात है। गौर करने वाली बात यह है कि तोप की मारक क्षमता 30 से 40 किलोमीटर होती है, लेकिन रॉकेट 90 किलोमीटर तक दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। एक सूत्र ने बताया, बॉर्डर की अग्रिम चौकियों के लिए नए RPS की ज्यादा जरूरत है, जो दिन और रात में भी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इसकी मदद से निगरानी आसान और बेहतर होगी और आर्टिलरी का फायर बिल्कुल सटीक हो सकेगा। लंबी दूरी की स्वदेशी टोही प्रणाली का भी ट्रायल शुरू होने वाला है। मौजूदा इजरायली लॉरस को 2 दशक पहले शामिल किया गया था। इसके साथ ही आर्मी ने पिछले हफ्ते ही 363 ड्रोन खरीदने का टेंडर जारी किया था, ताकि चीन की सीमा पर इन्हें तैनात किया जा सके। इन्फेंट्री ने ड्रोन खरीदने के लिए जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि RFP दिया है, उसमें कहा गया है कि ज्यादा ऊंचाई वाले 163 लॉजिस्टिक ड्रोन और मीडियम ऊंचाई पर उड़ सकने वाले ड्रोन की जरूरत है। शर्त रखी गई है कि इन ड्रोन का वजन 100 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही ये ड्रोन तेज हवाओं को भी झेलने में सक्षम होनी चाहिए। इस टेंडर के लिए 11 नवंबर तक निविदा मांगी गई है। ये सभी UAV और RPAV भारतीय कंपनियों से मंगवाए जाएंगे। ये कॉप्टर सेना को हवाई और निरंतर निगरानी क्षमता प्रदान करेंगे। इसमें एक मल्टी सेंसर सिस्टम होगा जो रियल टाइम निगरानी करेगा। वहीं सैन्य अधिकारियों का कहना है कि ऐसे ड्रोन सेना के पास आ जाने से सामान ढोने वाले सैनिकों या पोर्टर या खच्चर जैसे जानवरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिनकी मदद से पहाड़ों पर जरूरी चीजें या हथियार ले जाए जाते हैं। इन ड्रोन की रेंज लगभग 10 किलोमीटर और समय सीमा कम से कम 40 मिनट होगी। साथ ही ये कम से कम 1000 बार लैंडिंग करने में भी सक्षम होंगे। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर और ड्रोन खरीदे जाएंगे। सैन्य अधिकारियों का ये भी कहना है कि आर्मी की जरूरत के हिसाब से ज्यादा ऊंचाई वाले इन ड्रोन का पेलोड वजन कम से कम 15 किलो होना चाहिए। वहीं कम ऊंचाई वाले ड्रोन का पेलोड वजन 20 किलो तक हो सकता है। आपको बता दें कि आर्मी ने हाल ही में 80 मिनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी कि RAPS, 10 रनवे इंडिपेंडेंट RPAS, 44 अपग्रेडेड लॉन्ग रेंज सर्विलांस सिस्टम और 106 इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, भारतीय सेना ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा कवच को और मजबूत करने में स्वदेशी हथियारों को लेकर भी जोर दे रही है। इसके तहत कुछ समय पहले 750 रिमोटली पायलटेड एयर व्हीकल RPAV की खरीद के लिए टेंडर निकाले गए थे। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल विशेष बल 5 किलोमीटर के दायरे में निगरानी और ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए करेंगे। सेना ने यह भी कहा कि ये ड्रोन सभी मौसमों में और इमारत के अंदर से भी संचालित किए जा सकेंगे। इन ड्रोन्स में कम से कम 50% स्वदेशी पुर्जे होंगे और 1 साल में इनकी आपूर्ति करनी होगी। ये ड्रोन फास्ट ट्रैक खरीद नियमों के तहत खरीदे जा रहे हैं। नए ड्रोन चीनी मूल के मिनी ड्रोन की जगह लेंगे, जिनका इस्तेमाल सशस्त्र बलों की टुकड़ियां करती रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वदेशी उपकरण से लैस ड्रोन उपलब्ध नहीं थे। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ड्रोन खरीदने से भारतीय सेना की ताकत में काफी इजाफा होगा। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में युद्ध तकनीक से लड़ा जाएगा और इसके लिए ड्रोन जैसे आधुनिक निगरानी सिस्टम को खरीदना बेहद जरूरी है। भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी और रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल VK चतुर्वेदी ने कहा है कि ड्रोन हथियार प्रणाली के साथ ही निगरानी के लिए भी बेहद जरूरी है। ड्रोन के जरिए बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। ड्रोन ऑफेंसिव यानी कि पिन पॉइंट टारगेट और निगरानी सभाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन ड्रोनों को उत्तरी सीमाओं में LAC यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ निगरानी के लिए तैनात किया जाएगा, ताकि दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। खासकर चीन द्वारा बॉर्डर एरिया के आसपास निर्माण और दूसरी चीजों के बारे में नजर रखने में मदद मिलेगी।